इतनी बड़ी टीम बनाई आपने, तो मेरा क्वेश्चन आपसे वही है कि यू नो जिंदगी ने रेड कार्पेट तो नहीं बिछा रखा था कि एकदम सब कुछ आसान सा था। बहुत सारी बातें सुनी होंगी आपने, बहुत जो आपने अभी शेयर भी किया। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए इस यात्रा में, उसका सोल्यूशन आपने कैसे निकाला? सबसे बड़ा मुझे बताना है, मैं इधर बताना चाहिए कि नहीं? सबसे बड़ा चैलेंज यही था, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था कि बॉस अपने फैमिली में कैसा चलता है। मैं अभी घर पे नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, रीजन है ऑन पैसियो। लेकिन चैलेंज बोला तो बहुत भयंकर भयंकर, मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि कोई भी हम लोग को कोच भी सपोर्ट करेगा, बिकॉज सबको मालूम है हम लोग कौन से लेवल पे पहुंच गया। लेकिन उस टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, मेरे लिए एक बहुत चैलेंज था। मैंने डिलन सर, जसी सर, सब लोग से डिस्कस भी किया था, तकलीफ वाला टाइम था। लेकिन जब भी एक आदमी को विश्वास होता है और उसको पता है कि उसके लाइफ में कुछ ऐसा जबरदस्त आया है और ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए, तभी मैंने एक डिसीजन लिया। बहुत दिल को आज भी दुखता है, लेकिन मुझे मालूम है कुछ देर के लिए है, कुछ वक्त के लिए है। और फैमिली से बाहर हूं तो भी बहुत बड़ा फैमिली मिला है मुझे यहाँ पर, और वो मुझे मालूम है ऊपर वाला देख रहा है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। और वो मेरे लिए एक लार्जर कंटेंट नहीं है, अगर मेरे वजह से कितने लोगों को फर्क पड़ा है, लाइफ में फर्क पड़ा। और मैं आज भी यही चाहता हूं कि मैं और भी कंट्रीब्यूट करूं। और इसीलिए मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे कि सर खाली फ्राइडे नहीं, वीक में आप 2 बार आइए। तो मैंने उसका सोल्यूशन एक ही लिया, बिकॉज बहुत सारे सभी लोग ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। तो मैंने कल ही आज सुबह मेरा पहला वीडियो डाला है। मैं कौशिक जी को बोलना चाहूंगा कि मेरा वीडियो का लिंक वापस से नीचे डालें, क्योंकि सभी लोग ने कॉल करके अप्रिशिएट किया। अभी से रेगुलर मैं आपके टच में रहूंगा, लेकिन फ्राइडे एक ही दिन रहूंगा, आऊंगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ भी अपडेट्स है, कुछ भी इंफॉर्मेशन या मेरे दिल में जो लगता है, मैं वो चैनल में डाल दूंगा और आप प्लीज उसे देखा करें। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार, मतलब जितने भी फाउंडर्स हैं उनका रिस्पॉन्स, जो भी मैसेजेस है, बहुत अच्छा लगता है। आज का जो पेस और आज का जो लेवल आया है, मैं सबको थैंक करूंगा। और खास करके ये जो हमारे पैनल में है, और प्लस हम लोग जैसा स्टार्ट किया था जर्नी, मैं थैंक यू बोलूंगा, सैल्यूट करूंगा बार बार। और मुझे एक अलग फील हो रहा है, मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूँ केडी सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1-1.5-2 फुट ऊपर ही बैठा हूँ, और इसीलिए थैंक यू बोलना चाहूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं समझ सकता हूँ आपने जो भी जिस चैलेंज की बात की है। और ये बहुत ही बड़ा लाइफ में एक ऐसा दौर था जिसे यू नो हर हंसते चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है, लेकिन वो चेहरा हम देख नहीं पाते हैं। तो बहुत अच्छी, लेकिन आपसे जब भी हम मिले आपने कभी वो चीज को महसूस नहीं होने दिया। रियली यू आर ग्रेट, आप बहुत ग्रेट लीडर है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज से ठीक 2 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं और ऑन पेस्टी को कहां देखते हैं? ठीक 2 साल बाद मैं तो यही देखूंगा कि एज सर का जो सपना है, जैसा मैंने बोला, मेरा फोकस कभी मनी नहीं था, लेकिन मैं ये सोचता था कि एज सर बोलेंगे तो लोगों को तो पैसे चाहिए। लेकिन उन्होंने सब लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया और बताया कि मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। मैं अगर आप मुझे चाहते हैं कहां देखते हैं, मुझे ऐसा देखना है कि हमारे वजह से, मेरे वजह से नहीं, हमारे वजह से जब लाखों लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है और मैं एक प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ, मैं लोगों को देखता हूं, वो खुशी। और मुझे मालूम है कि ये जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है वो तो हमारे पास रहना ही नहीं वाला है, कुछ ही महीनों में तो परफेक्ट, जादू होने वाला है, वो तो 100% है। बट मैंने वो सोच रहा हूं कि हमारा हाथ लेने में नहीं, देने में रहना चाहिए, और हम लोगों को खुशी बांटने में रहना चाहिए। और ये होके रहेगा, आज ओपन बिल्कुल प्लेटफॉर्म में बोलता हूं, क्योंकि वो अगर हमारा बॉस बेटा है और वो हमको ये सिखाया है, मुझे डेफिनेट है आप भी, आपका दिल देखा है, मैं सभी लोग इन लोग से मिला है, जितने भी लोगों से, उनको लेने से ज्यादा देने में इंटरेस्ट है। और ये हम लोग डेफिनेटली साथ में रहेंगे। आप मुकुंद जी जैसे हम मिले, डेफिनेटली डीलर सर को भी हमको मिलना बहुत इच्छा है, लेकिन वी विल डू समथिंग। जहां पर हम खड़े होंगे तो लोग बोलेगा नहीं भाई, यहाँ पर देना है, यहाँ पर लेते नहीं है, क्योंकि इतने साल का एमएलएम का जो एक्सपीरियंस है, जो हमने एक्चुअल में कितना तकलीफ लिया, हम तो दिल से काम किया है, सभी को मालूम है, सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी कोई ना कोई लीगैलिटी में इधर उधर फंसते रहते हैं, हमको जाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और हम लोगों को अगर हेल्प करते हैं और लोगों का लाइफ चेंज करता है, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं उधर भी हूं तो मैं वही देखूंगा कि वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड चेंज द लाइफ, एंड इट इज बिकॉज ऑफ, मेनली बिकॉज ऑफ एस सर और उनका सोच। परफेक्ट परफेक्ट। एक लास्ट बात आपसे कहना चाहूंगा,
अगले पार्टिसिपेंट्स को बुलाने के पहले कि ये जो प्रोग्राम है अगले अगले गुरुवार को थोड़ा दूसरे रूप में होगा और हम लोग मिडिल लीडरशिप पर काम करने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत काम किया हुआ है एक जनाधार बनाने के लिए, बहुत सारे लोगों को लाने के लिए। हम चाहते हैं कि अब उसमें जिम्मेदारी का भाव आए। अगर आपकी बड़ी टीम है तो आपकी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं। ये सब बातें करने का थोड़ा सा समय है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो हो चुकी हैं, तो मैं उसमें आपका सपोर्ट चाहूंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं सदा आप लोग के साथ हूँ, जहां पर जो भी है। अभी इतना तक हम रहे हैं तो आपसे तो मैं पर्सनली भी मिला, आपको बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम मिलके डेफिनेटली वी विल डू समथिंग। जैसा सर ने बोला, प्लानिंग करना है, बहुत सारा चीज है, ट्रेनिंग है। अगर हम लोग सब सब मिलके एक ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग कंपनी, कुछ भी सब साथ, आई एम रेडी विद यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी, आई नीड टू लीव। Thank you, yeah, everybody on the panel and everybody on the foundership. Thank you so much. वेल दिनेश जी, डॉक्टर केडी जाने से पहले, दिनेश जाने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, दिनेश आपने कल वीडियो बनाई यूट्यूब वाले, इट वॉज सो एक्सीलेंट, बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड और बहुत ही बढ़िया, ग्राफिक वाइज, वॉइस क्वालिटी, एवरीथिंग। तो सबको वॉच करना चाहिए दिनेश की वीडियो को, ऐसे ऐसे होता है काम करना। तो दिनेश दैट वाज सो गुड, सब लोग देखिए, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड वेल डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। कौशिक जी लिंक खाली डाल दीजिएगा ताकि लोग उधर आए, और मैं उधर एकदम सुपर एक्टिव होने जा रहा हूँ, बिकॉज अभी लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत चाहिए, तो आई विल बी डेफिनेटली बी देयर सुपर एक्टिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके दैट्स ग्रेट, सुपर सुपर, थैंक यू वेरी मच। नाउ मैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में जिस शख्स को कॉल करने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब महिलाओं का एक दायरा हुआ करता था, बड़ा सीमित सा दायरा हुआ करता था, घर घर की चौखट, चूल्हा, बर्तन, बस यही और कुछ नहीं। फिर एक समय ऐसा आया जब इस बाउंड्रीज को उन्होंने ब्रेक किया, और ब्रेक किया, न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि अपनी उम्मीदों को चार चांद लगाए, पंख लगाए, और उसके परिणाम स्वरूप बाहर निकल के आया एक ऐसा एलसी मेंबर जो डायनेमिक तो है ही, साथ में एक संपूर्ण कंप्लीट कॉर्पोरेट लेडी है, और अपने दम पर, अकेले के दम पर वो जगह जगह जाकर वेबिनार्स भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, और हमेशा से वेबिनार में उन्होंने अपना एक अतुलनीय योगदान दिया हुआ है, और उनका ये योगदान और साथ में उनके साथ उनकी जो साथी रही है हमेशा उनके साथ में, उन लोगों ने एक ऐसी सीरीज चलाई कि जिसका मैं वहां यहाँ पर मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, यह अन्याय हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, मेरे शब्दकोश में उसको बयान करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने न सिर्फ अपना योगदान दिया और अपने आप को डेवलप किया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, उन्होंने अपने उस प्रयास के द्वारा भारत की हर एक लेडी फाउंडर के अंदर आत्मविश्वास भर दिया, और इतना ज्यादा आत्मविश्वास भरा जिसकी वजह से आज देखिए यहाँ पर कि हम अगर एक लेडी को या दो लेडी फाउंडर कॉल करना चाहें तो हमारी लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में 200 लेडी फाउंडर्स नजर आएंगी, एंड ऑल बिकॉज ऑफ योगिनी मैडम एंड ममता मैडम। सो आज एज ए एलसी मेंबर मैं कॉल करना चाहूंगा ग्रेट एंड डायनेमिक कंप्लीट कॉर्पोरेट लेडी माय फ्रेंड योगिनी वेर, प्लीज वेलकम हर। थैंक यू सो मच केडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जैसा मुझे पता चला कि आप बाहर हैं, और उसके बाद भी आप ने वेल सेटअप होकर आप बैठे हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं फिर से एक सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कैसा लग रहा है मैडम आपको इस शो में करके? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वाओ, एक ही उत्तर है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओह थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन कॉमन सभी लीडरों के साथ है, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा सेम, कि जिस दिन आपने ऑन पैसेज ज्वाइन किया था उस दिन की आपकी सोच और आज आपकी सोच एज ए एलसी मेंबर और इतनी बड़ी टीम की आप मालकिन है, तो मालकिन इन द सेंस आप उसकी लीडरशिप कर रही हैं, तो कैसा मतलब क्या डिफरेंस उस दिन में और आज के दिन में क्या डिफरेंस नजर आता है? सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त की सोच, जितना जो भी मैं नेटवर्किंग कर रही थी वो पूरा मैं 2 साल पहले ही छोड़ चुकी थी, हर एक चीज पूरा वाइंड अप कर दिया था, तो उस वक्त यही सोच थी कि बिना कुछ किए मुझे ना तो कोई रिटेल करना है ना तो मुझे कोई रिक्रूट करना है, मुझे घर बैठे बिना कुछ काम किए अगर मुझे 20,000 रुपए भी आ जाते हैं तो मेरा घर चल जाएगा। और उसी के बाद में फिर जब ज्वाइन किया तो उस वक्त की ये सोच थी, और एक बात बिल्कुल अच्छी लगी थी कि
एक कंसेप्ट समझ में आया मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, तो मुझे कुछ बातें समझ में आई थी कि जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक ऑन पैसिव चलेगा, और जब तक सब डिजिटल प्रोडक्ट्स है जो रिलेटेड इंटरनेट से है तो ये कंपनी चल जाएगी भले। और एक बात है कि मुझे यहाँ पे लोगों को जोड़ना ही है, ऐसे कुछ है नहीं, तो वो कंसेप्ट मेरा बिल्कुल क्लियर था जब मैंने ज्वाइन किया था। उस वक्त जब पहली बार ऐश को सुना तो ऐश जी की बातें सुनने के बाद में जो हम बोलते हैं कि 360 डिग्री हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और उनकी एक फर्स्ट सेशन के बाद में फिर हमें लगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही हटके है, बहुत अलग है, और हमें कुछ और ही करना है। यहाँ पे पैसा बाय डिफॉल्ट है, बाय प्रोडक्ट है, आने ही वाला है, मगर हमारे हाथों से जो भी आगे चीजें होने वाली है वो बहुत हटके होगी और बहुत अलग होगी, जो कि एक अलग मिसाल कायम कर जाएगी पूरी दुनिया में। तो उस वक्त की वो सोच थी, और आज की तारीख में अगर आप पूछोगे तो आज लास्ट दो दिन से मैं बाहर हूँ। गए साल में मेरे टीम को मिलने गई थी, आज मेरी जो मुझे बहुत इस बात का मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आप लोगों के वेबिनार सुन के ही हमने ज्वाइन किया, और आप लोगों के वेबिनार सुन सुन के आज मेरी जो भी 500-600 की जो भी टीम है, आज मेरी पूरी की टीम हमारे टीम चैंपियंस ऑन पैसिव की वजह से है। मैंने कभी उनका कोई अलग से वेबिनार लिया नहीं है। तो आज की तारीख में जब मैंने दो दिन से मैं उनसे मिल रही हूँ और जो बाकी की चीजें है, तो जब देखती हूँ कि मैंने ये सोचा था कि मैं किसी को बताऊंगी नहीं, मगर आज एक दो तीन लोग ऐसे मिले जिनको जस्ट रैंडमली बता दिया, और आज इतनी बड़ी टीम है। जब ये देखा कि अपनी एक डिसीजन की वजह से इतनी सारी लोगों की फैमिलीज की जिंदगी आज बदलने वाली है, और ये कुछ महीनों की बात है कि उनकी लाइफ में इतना बदलाव आएगा, ये सोच के ये देख के भी आंखें भर आती है कि आज हमारे एक डिसीजन की वजह हम जरिया बन गए उस चीज का। ऐश मुफारजी को तो बिल्कुल उसमें सबसे बड़ा योगदान हम बोलेंगे, मगर ये सोच के भी बहुत बढ़िया लगता है कि वी हैव डन द परफेक्ट थिंग इन द परफेक्ट टाइम, जो हमने डिसीजन लिया था राइट वाला। वाओ सुपर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा आंसर दिया आपने। और